इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको इस तरीके से इशू दिखा देता है, देयर वॉज एन एरर, एक्सपेक्टेड एरर, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड पैच स्पेसिफाइड, और यहाँ पर आप देख सकते हैं विंडोज़ बैकअप विल बी क्लोज्ड, इस तरीके से आपको मेनली इशू क्रिएट होता है। तो इसका ये आता क्यों है और इसमें मैं आपको चीज़ें बताऊँगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, FAT32 और NTFS ये दो वर्ड तो आपको अपने दिमाग में लगाने हैं, और अगर आप USB लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं अपने सिस्टम के अंदर, तो वो प्रॉपर रखनी है। एंड अगर आप उसको हटा देते हैं तो उसका पैथ रिमूव हो जाता है। तो ये भी चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, जो फोल्डर में जहाँ पर डेटा जाना होता है, बैकअप जाना होता है, वो वहाँ से क्लोज होता है। तो ये आप चीज़ें रख लीजिएगा। ये बहुत सारे तरीकों में वैसे आ सकता है, बट जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उनसे भी आता है। तो आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छी लगे तो। पहले यहाँ पर जब आप अपनी चेक करते हैं कंट्रोल पैनल में, यहाँ पर हम बैकअप के ऑप्शन पर हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको टर्न ऑन टर्न ऑफ कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ रहा है, डिसकनेक्टेड, यानी कि अभी हमने डिसकनेक्टेड कर रखा है, तो यहाँ पर ही टेम्परेली रिमूविड है इस तरीके से। अब हम यहाँ पर अपनी ये FAT32 की है, ठीक है, यहाँ पर FAT32 इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी चेक करके देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो यहाँ पर बैकअप्स रहते हैं, जैसे इमेज के बैकअप्स हो गए, वो NTFS में जाते हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि ये क्या सिस्टम रहना है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो मिनिमाइज़ करता हूँ मैं इसको, और अपने USB को चेक करिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये NTFS है या फिर और कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको ये दिख जाएगी, यहाँ पर NTFS है ये, ठीक है, FAT32 है, सॉरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको, ठीक है, यहाँ से आप इसको फिर काट दीजिए और उसी सेक्शन पर चले जाइए यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको खोल लेता हूँ कंट्रोल पैनल को। अब देखिए, यहाँ पर हम इमेज वाले ऑप्शन पर जाते हैं, इमेज बैकअप वाले ऑप्शन पर। तो यहाँ पर क्रिएट अ इमेज बैकअप जो होता है, देखिए यहाँ पर इन्हें साफ साफ मैंने कर दिया है कि कैन नॉट यूज्ड स्टोर सिस्टम बिकॉज इज फॉर्मेट NTFS, नॉट अ NTFS 32 है, क्योंकि ये FAT32 है, तो NFT यहाँ पर सपोर्ट नहीं है। तो यहाँ तो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बैकअप हमारा हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हम एक आध दफ़ा इसको निकाल देते हैं, निकालना वगैरह कर देते हैं, तो उस सिचुएशन में ही दिक्कत होती है। अब यहाँ पर फाइल कॉपिंग ऑफ योर फाइल्स फॉर फर्स्ट टाइम, तो आप यहाँ पर इसको सही से एक्टिवेट करके रखिएगा, तो आपको इस तरीके से दिक्कत कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान होगा। देखिए यहाँ पर भी ये लिखा हुआ रहा है कि NTFS फाइल सिस्टम आपका होना चाहिए, तो इस चीज़ का बस ध्यान रखिएगा, और कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।